हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ खून के बारे में। पार्ट्स ऑफ खून। खून क्या है? कोई भी कैप ले लो बच्चों की, या कोई भी ऊपर से ट्रायंगुलर कवर करते हुए नीचे से राउंड, और इस तरह से कोई शेप कवर करते हुए खून कहलाते हैं। तो बच्चे जब भी इस तरह के कौन के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उन्हें परेशानी क्या आती है, दे कांट फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ कौन, बिकॉज उन्हें क्वेश्चन में कुछ यूनिट्स गिवन होती हैं, जैसे कि वर्टेक्स हो गया, कर्व फेस हो गया, कर्व एजेस हो गया, फ्लैट फेस हो गया, तो वो डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि इस एक्चुअल कौन में वर्टेक्स क्या है, कर्व फेस कौन सा है, कर्व एजेस कौन से हैं और फ्लैट फेस कौन सा है। तो पहले मैं डायग्राम में आपको बता देती हूँ, उसके बाद एक छोटा सा क्लोन बनाकर मैं आपको बताऊँगी कि एक्चुअली वर्टेक्स, कर्व फेस, कर्व डेजिस और फ्लैट फेस क्या होता है। तो पहली बात तो किसी भी कोण में चार चीज़ें होती हैं हमारे पास, जो कि होती हैं वर्टेक्स फर्स्ट, सेकंड हमारे पास होती है कर्व्ड फेस, थर्ड हमारे पास होता है कर्व्ड एजेस, एंड फोर्थ एंड लास्ट हमारे पास होता है फ्लैट फेस। देखिए, वर्टेक्स मतलब होता है कोना, मीन्स हमारी किस कैप का कोना कौन सा है, इस कोन का कोना ये है, तो हमारी ये क्या हो गई, वर्टेक्स हो गई, ठीक है। उसके बाद में कर्व फेस, तो इसमें यहाँ तो हमें ये फ्लैट दिख रहा है, बट एक्चुअल में कोन कैसी होती है, एक इस तरह से राउंड घूमी हुई होती है, यहाँ से ही घूमी हुई होती है, तो ये क्या होता है, इसका कर्व्ड फेस होता है। तो ये हो गया इसका कर्व्ड फेस। अब कर्व्ड एजेस क्या होती है, नीचे से इस तरीके से जो गोल घुमा हुआ एरिया होता है, ये इसका होता है कर्व्ड एज, ठीक है। अब यहाँ से ही नीचे से एकदम चपटा होता है, उसके बाद में ऐसे कुछ राउंडेड नहीं होता है, तो ये इसका अंदर का जो फ्लैट फेस होता है, ये फ्लैट फेस कहलाता है। अब एक छोटे से क्लोन के थ्रू आपको समझाती हूँ, हम ये पहले क्लोन बना लेते हैं इसका कोन का। एक छोटा नमूना बनाकर अगर आप इसे समझ लेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा ये आपको समझने में। देखिए, ये एक पेपर है, इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। हमें स्क्वायर शेप का पेपर चाहिए पूरा, तो पहले हम इसे स्क्वायर शेप बना लेते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा होगा तो फिर हम फ्लैट फेस नहीं बना पाएंगे उसका, ठीक है। ये ट्रायंगल कट कर रही हूँ मैं, क्योंकि कोन शेप एरिया बनाने के लिए हमें ट्रायंगल चाहिए। पहले स्क्वायर बना लिए यहाँ पे, उसके बाद एक ट्रायंगुलर शेप में उसे कट करके, देखिए कुछ इस तरीके से हमारी कैप होती है। ठीक है, कुछ इस तरह की हमारी कैप होती है। तो ये जो कोना हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा वर्टेक्स। ये वाला जो एरिया ये आपको दिख रहा है, ये हमारा कर्व्ड फेस कहलाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा कर्व्ड हो रहा है। उसके बाद में ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, अब ये जो एरिया दिख रहा है आपको खुला हुआ, ठीक है, ये साइड का सर्कमफ्रेंस जिसे हम कहते हैं सर्कल का, तो ये एक तरह का सर्कल ही होगा राउंडेड। ये यहाँ से कट हो जाएगा, जो हमने अभी काफ़ी रफली बनाया है इसे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ये इक्वल होता है किसी बर्थडे कैप में, अगर आप देखते हैं तो ये इक्वल जा रहा होता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कर्व्ड एज कहलाता है। और यहाँ से जब हम इसे रखते हैं ऐसे, तो ये एकदम फ्लैट होता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फ्लैट फेस कहते हैं। ओके, तो ये हमारे कोन के पार्ट्स होते हैं, जो अगर आपको याद होंगे तो आप इसके सम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स के अलग अलग तरह के पार्ट्स के बारे में बताएंगे, जिससे आप अपने क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।